वेलकम बैक टू द वीडियो। में बात कर लाइन स्टाम पर किसी की भी चैट को हाइड कैसे करें। जी हाँ गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आपके फोन को कोई भी आपके हाथ से छीन लेता है एंड वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम में जाकर आपकी चैट को चेक करता है आखिर आप मतलब किस किससे बात करते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि अगर कोई भी बंदा हमारे इंस्टाग्राम ऐप को चेक करे तो उसको पता न लग पाए कि आखिर आप किससे चैट करते हो, साथ ही आपकी चैट भी डिलीट नहीं होगी, आपने जितने भी चैट कर रखी होगी, चाहे फिर आपने मतलब फोटो वगैरह सेंड कर रखे हो, फिर सामने वाले बंदे ने भेज रखे हो, जो भी चीजें आपने कर रखी है सब कुछ आपका हाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस बंदे की पूरी आईडी आप हाइड कर सकते हो, उसको छुपा सकते हो। अभी सब आपको करना कैसे, सब कुछ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में सिंपल तरीके समझाऊंगा। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखिए मैंने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है एंड गाइस यहां पर मैं इस अकाउंट पर आ चुका हूं एंड हम इस अकाउंट की चैट को हाइड करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये मतलब जिससे भी चैट करते होंगे किसी एक बंदे की चैट को हाइड करेंगे। तो गाइस आपको चैट हाइड करने के लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले यहां पर होम पेज पे आना है। होम पेज पर आने के बाद यहां पर आपको टॉप में मैसेंजर का ऑप्शन मिलता है जिसको आप मैसेज भी बोल सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है, ठीक है। अब गाइस यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले यहां पर प्राइमरी का, दूसरा यहां पर जनरल का, तीसरा यहां पर रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यहां पर आप जनरल में कर दो फिर यहां पर आप प्राइमरी में कर दो, क्योंकि अगर आप यहां पर प्राइमरी से जनरल में करोगे तो भी आपकी चैट दिखाई देगी, अगर आप जनरल से प्राइमरी में करोगे तो भी आपकी चैट दिखाई देगी, ठीक है। तो हमको यहां पर कुछ इस तरह से चैट को ऐड करना है जिससे सामने वाले बंदे की चैट किसी भी बंदे को ना तो प्राइमरी में दिखाई दे ना ही जनरल में दिखाई दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस आईडी पर क्लिक करता हूं एंड यहां पर आप देख सकते हो इस अकाउंट से यहां पर कितनी ज्यादा चैट वगैरह हो रखी है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर इस अकाउंट की चैट को हाइड करने वाला हूं, ठीक है। यानी कि हम इसके पूरे अकाउंट को हाइड कर देंगे, इसको छुपा देंगे एंड अगर हम बाद में चाहे इसको वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको हाइड करके अनहाइड कैसे करना है वो भी हम जानेंगे, बट उससे पहले यहां पर मैं आपको हाइड करना सिखा देता हूं, ठीक है। तो भाई आपको जिस भी अकाउंट का फिर जिसकी भी चैट को हाइड करना है आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसकी चैट में आके उसकी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपको करना क्या, भाई आपको सिंपली सबसे ऊपर की तरफ थ्री डॉट मिलता है, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको करना क्या, भाई यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर रेट का, ठीक है। तो आपको करने के आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आप देखिए यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहां पर आपको करने के भी आपको सिंपल यहां पर डिसमिस कर देना है एंड यहां पर आपको रिफ्रेश करना है, जैसे आप रिफ्रेश कर दोगे उसके बाद यहां से चैट हाइड हो चुकी है। मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, मैं इसको बैक करता हूं, आप यहां पर देखिए इस बंदे की सारी के सारी चैट यहां से हट चुकी है, साथ ही अगर यहां पर हम जनरल में जाएंगे तो यहां पर भी उसकी चैट दिखाई नहीं देगी, साथ ही यहां पर उसकी चैट प्राइमरी में भी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। लेकिन अब वो आपको दिखाई कैसे देगी, यानी कि कैसे आप उसको हाइड कर सकते हो, चलिए वो भी जान लेते हैं, क्योंकि जब आप मतलब किसी की चैट को हाइड करोगे तो आपको उसको हाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसकी चैट दो तरीके से हाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको करने के आपको सिंपल यहां पर इसको बैक करना है। सबसे पहला तरीका है कि यहां पर आपको सर्च बार में नहीं, यहां पर आपको सर्च कर देना है उसकी आईडी को, ठीक है। आप यहां पर देखिए जैसे यहां पर मैं सर्च करूंगा यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ड लिखे एंड यहां पर ये ऊपर पूरी की पूरी आईडी आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपको करने गया उसकी आईडी को सर्च करके उसकी आईडी पर क्लिक कर देना है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको इसकी चैट को दोबारा से देखने के लिए फिर इसे चैट करने के लिए इसकी चैट को दोबारा से अनरिशीट करना होगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहां पर आपको एक अनरिशीट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप चाहो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, फिर यहां पर आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे यहां पर भी आपको अनरिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे अब इसकी चैट वापस दोबारा आ जाएगी, ठीक है। आप यहां पर देखिए मैं होम पेज पे क्लिक करता हूं एंड यहां पर मैं आपको मैसेज में जाकर दिखा देता हूं, आप यहां पर देखिए जैसे यहां पर मैं रिफ्रेश करूंगा यहां पर उस बंदे की चैट आ चुकी है, ठीक है। तो यहां पर हम इस बंदे से दोबारा से चैट कर सकते हैं, साथ ही यहां पर कोई भी चैट डिलीट नहीं होगी, इस तरह से आप किसी बंदे की चैट को हाइड कर सकते हो, साथ ही आप उसको अनहाइड भी कर सकते हो। तो देखा कितना आसान था, किसी की भी चैट को छुपाना है फिर किसी की भी चैट को हाइड करना। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपका अब भी कोई डाउट तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।